देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 दिनों के लिए देश में किए गए लॉकडाउन की घोषणा के बाद 25 तारीख की सुबह से ही बाजारों में दुकान खोलते ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, जनपद आजमगढ़ में शहर के अठवारिया मैदान में सुबह सब्जी को लेकर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए छूट दी गई, लेकिन बावजूद ना इसके नागरिक एक साथ ही महीने भर का राशन खरीद रहे हैं, जिसके कारण बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। सब्जी खरीद रहे लोगों ने बताया कि सब्जी दोगुने दाम पर बिक रही है। उन्हें इस बात का डर है कि आज के बाद बाजार खुलेंगे कि नहीं, जिसके चलते सब्जी एक महीने का राशन आज ही ले गए। और महिलाओं का कहना है कि परेशानी है, पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं होंगे तो हम खाएंगे कहां से और अपना परिवार कैसे चलाएंगे। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं आपका जी हुमान मैं। अच्छा, यहाँ क्या दिक्कत समस्या आ रही है आप लोगों? सब्जी लेने आए, सब्जी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए। अरे थोड़े पैसे नहीं दिया, थोड़े पैसे में भी अगर चाहो ले लो तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पर। अभी सब्जी लेने आई, कितना महंगा लग रहा है? अरे 200 रुपए की, ये देखिए बस 200 रुपए की सब्जी यही आई हमारी। क्या चाहिए, इतना हमारा कितना दिन चले? क्या दिक्कत है आपको? अरे पैसे की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, फुटपाथ पे रहने वाले हम लोग हैं, क्या खाएंगे? हाँ जब पैसा रहेगा तभी ना हम लोग खाएंगे। बीमारी तो बचाने के लिए तो बंद कर दिए अंदर, जब पैसे ही नहीं रहेगा तो खा के आदमी मर जाएगा, नहीं खाएगा तो। यहाँ सब्जी लेने आए, सब्जी के दामों में क्या सब्जी सब महंगा हो गया, मिर्चा हो गया 50 रुपया पाव, आलू हो गया 100 रुपया की पसेरी, प्याज हो गया 100 रुपया। क्या पीछा लगा रही थी कहीं की, मतलब क्या लगता है आपको? क्या लगता क्या परेशानी है, पैसा नहीं है, बीमारी तो आने से पहले हम लोग को खाए भी ना मर जाएंगे, हम लोग हमारे बच्चे मर जाएंगे। और तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? और क्या, जब बंद करें तो हमारी व्यवस्था करें, परेशानी दूर करें। क्या क्या परेशानी आ रही है आप लोग? परेशानी क्या आ रही, क्या हमारे पास पैसा नहीं, हम लोग फुटपाथ वाले इंसान है, हमारे 6 बच्चे हैं, कहाँ से खाएंगे? जब पैसा रहेगा तभी ना खाएंगे हमारे बच्चे और हम लोग। रोल सर, अपना परिचय दीजिए सर। मैं विजय कुमार चौधरी, सचिव मंडी समिति आजमगढ़। अच्छा सर, यहाँ पे क्या नियम है, ये जो मंडी लगी हुई उसके नियम क्या है, लोग कैसे आएंगे, कैसे सब्जी? फुटकर व्यापारी जो है जो चौक में कर रहे थे वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही थी, उसको जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में यहाँ अठवारिया मैदान में उसको शिफ्ट किया गया है। ये कल से ये दो दो व्यापारी सभी वार्डों में, यहाँ भी नहीं लगेगा, कल से दो दो व्यापारी सभी वार्डों में जा करके अपना दुकान लगाएंगे, उनको वार्ड अलाट होगा, वहाँ पे अपना व्यवसाय करेंगे। कल करके कुछ और तो आज कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़ती हुई, उससे क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पे कुछ जो है मनमाने तरीके से कर रहे थे, जिसको कंट्रोल किया गया है और सही कुछ रेट, चूँकि बाहर से गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी इसको सर, बेचने का समय क्या है और कितने लोग आ जा सकते हैं? भीड़ तो वैसे बहुत, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, इसी भीड़ को कम करने के लिए हर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हर वार्डो में दो दो व्यापारी फुटकर अपना, तो ये लापरवाही नहीं है अभी जो आप देख रहे हैं? ये तो आज शिफ्ट हुई है तत्काल में, ये कल से यहाँ भी मंडी में ये नहीं लगेगी। टाइम क्या है बेचने का? ये 11 बजे तक, 11 बजे के बाद बंद। कितने लोग आ सकते हैं ये बताओ? यहाँ तो आम पब्लिक के लिए है, आम पब्लिक अपना जरूरत की जो है सब तो बना हुआ कि एक बार में एक लोग आए दो लोग आए ऐसे तो नहीं, सैकड़ों संख्या है ऐसा तो जो है पुलिस प्रशासन ही निर्धारित कर सकती है। ये चूँकि आज ही ये शिफ्ट हुई है, इसलिए जो है अभी इसको भीड़ कम करने के लिए अलग जो है वार्डों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, अलग अलग वार्डों में रहेंगे तो यहाँ भी भीड़ नहीं होगा, और वार्ड में सीमित परिवार रहते हैं तो उन्हीं परिवारों को सब्जी प्रोवाइड होगा उनमें। असंगठित कर्मकार फुटपाथ यूनियन का अध्यक्ष रितेश सोनकर उपंगत। प्रशासन का अनुरोध था कि 10-11 बजे तक दुकान खुले और जो है उसी हिसाब से प्रशासन ने ये के आदेश से मंडी और फल मंडी को अठवारिया मैदान में शिफ्ट करने का वो था। सर ठीक है, अगर इससे वो है तो हम अपने व्यापारियों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ,
आर्यगंज में जितने वार्ड हैं सब अपने अपने वार्ड में, ताकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने की वजह से मान लीजिए 5 ठेला उधर अलग अलग जगह पे एकत्रित होकर लगाएं तो इसकी वजह से सर भीड़ कम हो सकता है, यही अपने व्यापारियों से हो सकता है तो वहाँ पे सर कम हो सकता है भीड़, इससे तो ज़्यादा रुका ही जाता है। यहाँ पे अगर एक जगह रहेगा तो भीड़ और ज़्यादा, उस तरह भीड़ बट बट के छोटे छोटे जगह पे व्यापारी रहेंगे तो मार्केट भी कम रहेगा और लोगों का ज़रूरत का सामान भी मिल जाएगा और लोग वैसे भी अपनी ज़रूरत का सामान भी ले लेंगे। पॉल्यूशन सर अब ये तो ऊपर से लॉक, जो व्यापारी माल बाहर से आने जाने के लिए बंद हो गया है, जो व्यापारी के पास माल बचा उसी पे वो लोग अपना थोक व्यापार वाले भी रेट बढ़ा के दे रहे हैं, तो जैसे फुटकर वाले पा रहे हैं उसी हिसाब से अपना मार्केट में बेच रहे हैं। यानी कि थोक मंडी से ही महंगी आपको सामान मिल रहा है? हाँ, माल कम है ना सर, तो इसके वजह से जो माल मिल रहा है, क्योंकि अभी मैं व्यापारी से, अभी हमारा भी काम चलता है, हम भी फुटपाथ से हैं। अभी प्याज आ रहा था मंडी से 20 रुपया किलो, अचानक 30 रुपया किलो हो गया, वहीं से 10 रुपया किलो बढ़ गया, अब वहाँ से किराया भाड़ा सर इसमें तो अब दोस्त किसी का नहीं है, जो ऊपर से महामारी है उसका है, इसमें सभी लोग परेशान है हर कोई, क्योंकि व्यापारी के पास भी माल नहीं आ रहा जो है, अब उसी पे सो लीजिए। मैं सर से यही कहना चाहूँगा कि सर क्योंकि ये जो पूरी आजमगढ़ की मार्केट एक जगह लगा है, हर वार्डों में अलग अलग जगह, क्योंकि ये सभी नरौली कालीनगंज और क्या बोलते हैं पहाड़पुर बदरका हर जगह की एक जगह मार्केट, हर जगह अलग अलग जगह व्यवस्थित कर जाए, वहाँ वाले लोगों को वहाँ पे दे दिया जाए। पब्लिक का ये आरोप है कि सब्जियाँ दिन पे दिन महंगी हो जा रही हैं, उनके लिए क्या करेंगे? इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ ताकि इस पर वो इस पर ध्यान दें और जो है कि महंगाई को रोकें, क्योंकि गरीब वैसे ही मर जाएंगे, अभी तो उनके पास खुद खाने के लिए मजदूरी करने के लिए नहीं है, घर में पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए तो सरकार को रोक उचित ध्यान देना चाहिए इस पर। देखिए व्यवस्थाएं, अभी नया प्लान बन रहा है और इसको हर वार्ड में शिफ्ट करने का प्रोग्राम बन रहा है, उसके लिए हमारे सचिव साहब ईओ साहब सब लोग लगे हैं, हम लोग हर जगह वार्ड में एक जगह निश्चित कर रहे हैं, वहाँ पे लगाई जाएगी और क्या कहते हैं इसका अनाउंसमेंट भी करा दिया जाएगा, जिससे लोग कल अपने अपने वार्डों में जाके ही सब्जियाँ खरीद लें। देखिए जिम्मेदार किसे मानेंगे ये कहना बड़ा अजीब सी बात होगी, लोगों को जागरूकता फैलाई जा रही है, सबको जानकारी दी जा रही है, इसके बाद भी लोग अगर डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो किसी अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं फिक्स की जा सकती है। देखिए इस पे भी प्रशासन की नज़र है, हम लोग रेट का तुलना कर रहे हैं और अगर हमको लगता है कि ज़्यादा है तो इस पे कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।